أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. प्यारे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम. आज एक नए क्वेश्चन के साथ एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर है. आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन एंड क्वेश्चंस ऑन लीनियर इक्वेशन. चलिए कि सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. सो द इक्वेशन in which degree of variables, degree of variables is equal to 1 means not greater than 1 is called linear equation. अच्छा देखिए यहाँ पे वो equation जिसमें variable की degree हमारे पास 1 आ जाए इसको हम कहेंगे linear equation. Linear equation always represent a straight line as it is it's always represent a straight line means linear equation always represent a straight line and xy plane. एक्स वाई प्लेन में हमेशा लीनियर इक्वेशन जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट. तो ये तो था हमारे पास लीनियर इक्वेशन. अब हम इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हो तो हम इससे एक्स और वाई मींस जो कि वेरिएबल है इससे हम किस तरह इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. देखिए हम इस पे अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं. चलिए कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन वन फिफ्थ ऑफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 24 मीन्स द सम ऑफ टू एंगल्स एंड इट्स वन फिफ्थ इज इक्वल टू 24 एंड हाफ देयर डिफरेंस इज 14 कैलकुलेट द टू एंगल्स. तो हम ये सॉल्व करेंगे. ये हम इससे हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. तो देखिए आप पे सॉल्यूशन लेट वन एंगल से दिस इज अल्फा एंड second angle or other angle is beta. So their sum is equal to alpha plus beta. अच्छा देखिए यहाँ पे अब इन सम का वन फिफ्थ ले ले. सो वन फिफ्थ ऑफ द सम. So by given condition, one fifth of sum of angle is equal to 24. So 24 degree. So this implies that one fifth of sum
which is alpha plus beta is equal to 24 degree. चलिए कि यहाँ पे अब इसी 5 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें, सो मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड हो तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 24 डिग्री. इससे हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 are 20, 5 2s are 10, 2 20, 12. So this is equation 1. अब वो देखिए यहाँ पे दियर डिफरेंस मीन्स द डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स. सम हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, सो डिफरेंस ऑफ एंगल्स, डिफरेंस is alpha minus beta. तो अब देखिए यहाँ पे half their difference again by given condition, by given condition half their difference, half their difference is equal to 14, so half their difference is equal to 14 degree. So 1/2 alpha minus beta, which is difference is alpha minus beta, is equal to 14 degree. Now multiplying 2 on both side to hamare paas aa jayega alpha minus beta is equal to 14 multiplied by 2. So alpha minus beta is equal to 28 degrees. This is equation 2. So देखिए ये बहुत ज़्यादा important question है. अब equation number 1 और equation number 1 को add करें, adding equation 1 and 2. देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री. तो ये दो कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 2 अल्फा इज 841 डिग्री, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, सो 148 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 74. सो वन एंगल इज 74 डिग्री. अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा इज 120, सो अल्फा की जगह 74 डिग्री प्लस बीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. इसको इस साइड पे ट्रांसफर करें, सो माइनस आ जाएगा माइनस 74. तो इससे हमारे पास आ जाएगा 26 प्लस 20 इज 46 डिग्री. तो ये तो था हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड की लीनियर इक्वेशन की मदद से. अब वो एक दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं इस पे. अच्छा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा. देखिए यहाँ पे आई थिंक अ पेयर ऑफ नंबर्स मीन्स मैंने दो नंबर्स सोचे, सो लेट वन नंबर से दिस इज एक्स एंड सेकंड नंबर और अदर नंबर is say this is y. देखिए यहाँ पे if I add say 1 to the first, if I add say 1 to the first means इस first के साथ 7 add करें, add 7 to first number, so it becomes
एक्स प्लस सेवन, और ये हमारे पास न्यू नंबर आ जाएगा, इसको मैंने नाम दिया ऑब्टेन नंबर, मीन्स ऑब्टेन नंबर इज एक्स प्लस सेवन। आई ऑब्टेन अ नंबर विच इज ट्वाइस द सेकंड, मीन्स ऑब्टेन नंबर इज ट्वाइस द सेकंड नंबर, हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस सेवन इज टू वाई। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सेवन को मैंने इस साइड पे ट्रांसफर किया तो माइनस सेवन से, दिस इज इक्वेशन वन। अच्छा फिर क्या कहता है, इफ आई एड 20 टू द सेकंड, एड 20 टू सेकंड, एड 20 टू सेकंड नंबर, हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस वाई। इसी केस में अब हमारे पास ये ऑब्टेन नंबर है। तो क्या कहता है, आई ऑब्टेन अ नंबर विच इज फोर टाइम्स द फर्स्ट, अगेन बाय गिवन कंडीशन ऑब्टेन नंबर इज फोर टाइम्स फर्स्ट नंबर। तो क्या आएगा, देखिए आप यहाँ पे है 20 प्लस वाई इज 4 इंटू फर्स्ट विच इज एक्स है, दिस इज इक्वेशन टू। अब इसको हमने साफ करना है, पुट वन इंटू पुट इक्वेशन वन एंड टू, मीन्स एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 2y माइनस 7, तो हमारे पास आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर टू में पुट किया, यहाँ पे 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, y को इस साइड पे ट्रांसफर करें, कांस्टेंट को इस साइड पे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइड बाय 7, दिस इज द सेकंड नंबर। अब इसी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर वन में पुट करें, जो कि हमारे पास है x इज इक्वल टू 2y माइनस 7, y की वैल्यू पुट करें, अब वो 48 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 96 डिवाइड बाई 7 माइनस 7, इसका एलसीएम ले ले तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट नंबर इज 47 डिवाइड बाई 47 डिवाइड बाई 7। अब वो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह और भी क्वेश्चंस हम लीनियर इक्वेशन पे सॉल्व करेंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।